चेहरे पर दाढ़ी सही से नाना या कच्ची पकी दाढ़ी का आना, सबका एक ही उपाय है। नमस्कार दोस्तों, आज का उपाय उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर सही से दाढ़ी नहीं आ रही या उनके दाढ़ी कच्ची पकी आती है। दोस्तों कुछ लड़के दाढ़ी मूछ के मामले में बहुत ज्यादा लकी होते हैं, उनको गॉड गिफ्टेड एक बिल्कुल अच्छी और फुल फ्लैश दाढ़ी आती है, लेकिन कुछ लड़के उतने लकी नहीं होते। कईयों को बियर्ड ग्रोथ आती ही नहीं है और कईयों को कई जगह पर दाढ़ी आती है और कई जगह पर नहीं आती, जिसे हम कच्ची पकी दाढ़ी कहते हैं, जिसके कारण उन्हें भी अपनी दाढ़ी को क्लीन शेव करना पड़ता है। और इस मसले को सुलझाने के लिए आज हम एक बेहतरीन उपाय लेकर आए हैं। यह आपके चेहरे की दाढ़ी की ग्रोथ तो बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ एक ऐसी चीज बताई जाएगी जिससे आपकी नेचुरल बियर्ड ग्रोथ बढ़ेगी और घनी दाढ़ी आएगी। इस बियर्ड ऑयल को बनाने के लिए पहली चीज जो हम यहाँ पर लेंगे वो है ये तेल। ये जो है दोस्तों देसी आमला तेल है। ये तेल दोस्तों पूरा घरेलू बनाया गया है। अगर आप चाहें तो किसी भी इसे पंसारी की दुकान से ले सकते हैं या आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। स्टाइलिश दाढ़ी के लिए दोस्तों बियर्ड का सही से आना बहुत जरूरी है और आमला तेल उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपकी बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ाएगा और चेहरे पर सही से घनी दाढ़ी लाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर आमला तेल के 3 चम्मच लेने हैं। आप इसे 3 चम्मच डाल लीजिए। आप दोस्तों इस तेल को घर पर बनाइए या फिर आप किसी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे वो चीज है ये पत्ते। इन पत्तों को दोस्तों हम कहते हैं करी लीव्स, यानी कि करी पत्ता। दाढ़ी के हेयर फोलिकल्स यानी कि पतले बारीक लुई जैसे बाल हैं, जिनकी वजह से हमारी दाढ़ी कच्ची पकी लगती है, उन्हें मोटा और घना बनाने के लिए दोस्तों ये करी पत्ता बहुत फायदेमंद है। आप इस तरह से ये करी पत्ता लीजिए और इसे आप किसी भी पंसारी की दुकान से सूखे हुए लीजिए और इसे ग्राइंड करके इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। और आप दोस्तों इसे 1 चम्मच इस तेल में मिलाइए। दाढ़ी वाली जगह पर इसकी मसाज दोस्तों हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इंक्रीज करेगी, जिससे वहां पर हमारी बियर्ड ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। और इसमें हम आखिरी चीज मिलाएंगे वो है दोस्तों ये नीलगिरी का तेल। दोस्तों दाढ़ी ना आने वाली जगह पर आप हमेशा देखेंगे कि वहां पर आपको हल्के बारीक लुई जैसे बाल जरूर मिलेंगे और वहां पर मॉइस्चर लोक कर उसे मोटा और घना बनाने के लिए दोस्तों ये नीलगिरी का तेल अत्यधिक फायदेमंद है। और इसीलिए इसका प्रयोग कई तरह के बियर्ड ऑयल में भी किया जाता है और इंग्लिश में इसे यूकलिप्टस ऑयल कहते हैं। ये तेल दोस्तों आपकी घनी दाढ़ी उगाने में बहुत मदद करेगा। आप दोस्तों इसे लोकल किसी भी स्टोर से ले सकते हैं और ऑनलाइन ये आपको कहाँ मिलेगा उसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इस तेल को आपको दोस्तों 10 से 12 बूंद के बराबर लेना है। आप देखिए आपको इतना सा ये तेल लेना है और इस मिक्सचर में हम इसे मिलाएंगे और इसे डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप दोस्तों इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स कीजिए ताकि ये हमारा एक प्रॉपर पेस्ट तैयार हो जिसे हम अपनी बियर्ड पर अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीजें भी खानी चाहिए जिससे आपकी अंदरूनी बियर्ड ग्रोथ बढ़ेगी। और इसके लिए सबसे पहली और बेहतरीन चीज है वो है कोच के बीज। कोच के बीज का प्रयोग दोस्तों आयुर्वेद में कई तरह की मर्दों से जुड़ी बीमारियों के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों दाढ़ी उगाने के लिए शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन की मात्रा बराबर होना बहुत जरूरी है जो हमारे चेहरे पर हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और कोच के बीज का पाउडर दोस्तों हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल और एंड्रोजन रिसेप्टर की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे चेहरे पर आने वाले बालों की ग्रोथ निरंतर बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे चेहरे की सतह के ऊपर पाया जाता है, यानी कि जिनके शरीर में एंड्रोजन रिसेप्टर की मात्रा कम होती है उनकी दाढ़ी की ग्रोथ भी कम आती है, और जिनमें अधिक होती है उनकी दाढ़ी की ग्रोथ निरंतर बढ़ती है। और इसका पाउडर दोस्तों आपको आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और इस नुस्खे का प्रयोग करने के लिए आप दोस्तों सबसे पहले अपने दाढ़ी वाली जगह पर हल्के गर्म पानी से स्टीम कीजिए या फिर किसी टॉवल की मदद से आप गर्म पानी से उसे साफ कीजिए और उसके बाद आप दोस्तों इस उपाय का इस्तेमाल कीजिए। आप इसे 1 चम्मच के बराबर अपने हाथों पर डालिए और हाथों में इसे अच्छे से रब करते हुए अपनी दाढ़ी वाली जगह पर आप इसकी मसाज कीजिए और आप इसकी मसाज 5 से 10 मिनट तक कीजिए। फिर दोस्तों आप इसे 15 से 20 मिनट तक अपने दाढ़ी वाली जगह पर ही इस तेल को लगे रहने दें और नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। 3 से 4 हफ्तों में ही इस तेल की मसाज से आपके दोस्तों लुई जैसे बिल्कुल पतले हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे मोटे बालों में बदलने लगेंगे और आपके चेहरे पर घनी और मोटी दाढ़ी आने लगेगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।